हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्पेशली बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अभी तक हमने सिंपल की बात किया था। सिंपल का मतलब क्या होता था, सारी सेल्स एक ही किस्म की होती हैं तो उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जो सारी सेल्स मिलकर किसी एक कॉमन फंक्शन को करने में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, जाइलम और फ्लोएम, एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। दे आर कंडक्टिंग टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को रूट से लीफ तक ले जाते हैं और फूड को लीफ से रूट तक या डिफरेंट पार्ट तक वापस लेकर आते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूएट अ वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल किसे कहते हैं, जब कंडक्शन कहीं पर होता है ना, किसी चीज़ कोई चीज़ बहकर जाती है तो उसको हम जो है वास्कुलर नाम दे देते हैं, तो इनको हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल सॉल्ट, ये तो काम हो गया जाइलम का, कि वाटर उसमें डिजोल्व हुए मिनरल और सॉल्ट जो है वो रूट से कहाँ तक, लीफ तक जाएंगे, ये काम किसका हुआ, जाइलम का। और फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी के दूसरे हिस्सों तक फूड्स को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है हमारा, ये किसका काम है, ये फ्लोएम का काम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड, जाइलम को हम वुड भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर के हिस्से में होता है जाइलम, फ्लोएम अंदरूनी हिस्से में होता है। इट इज अ वास्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, ये सहारा भी दे रहा है और वाटर का कंडक्शन भी कर रहा है, इसलिए इसको वास्कुलर कहा। इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, देखो आगे बात भाई, कंडक्टिंग टिश्यू क्यों, क्योंकि कंडक्शन का मतलब वास्कुलर से है। इट इज कंपोज ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये फोर डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो चार नाम है इसमें याद रखें, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, ये तो पतली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। जाइलम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा जैसी सेल्स होती हैं, और फाइबर्स, ये जाइलम के फाइबर्स होते हैं जो इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ बांध कर रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, ट्रैकियार्ड्स की। दे आर लॉन्ग, ये लंबे ट्यूबलर डेड सेल्स हैं विद लिग्निफाइड वॉल, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है एंड टेपरिंग एंड, और इनके किनारे नुकीले होते हैं। तो ट्रैकियार्ड्स लॉन्ग ट्यूबलर ट्यूब जैसी डेड सेल्स हैं जो लिग्निफाइड वॉल के साथ होती हैं, टैपरिंग एंड होती है। दूसरा होता है हमारा वेसल्स, वेसल्स दे आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लंबी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म्ड बाय अ रॉ ऑफ सेल्स, जिसमें सेल्स एक रॉ में लगी हुई नजर आती हैं, प्लेस एंड टू एंड, जो एक दूसरे के किनारे से चिपकी हुई होती हैं। द वॉल आर लिग्निफाइड, इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती हैं। दे आर जनरली पजेस पिट्स, इनमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जैसे यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। टैकियार्ड एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, ये पानी को और मिनरल्स को जो उसमें डिजॉल्व है उनको वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जाइलम के अंदर दो पार्ट्स, उसकी दो सेल्स, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, दोनों एक खोखले पाइप की जैसी हैं और एक पाइप की तरह काम करती हैं जो वाटर को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है जिसकी सेल वॉल थिन होती है। जब ये लिविंग है तो थिन होगी, और थिन होगी तो किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की, किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की। इट स्टोर्ड फूड, ये फूड को स्टोर करती है एंड हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, और थोड़ी बहुत अमाउंट में धीमे धीमे अपने थ्रो भी साइड से वाटर जो है ऊपर पहुंचाने में मदद करेगी। एंड लास्ट इसका जाइलम फाइबर्स, दे हैव एलोंगेटेड डेड सेल्स, तो ये भी डेड सेल्स है। अब गौर करें यहाँ पे कि ट्रैकियार्ड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, चार में से तीन पार्ट, तीन सेल्स डेड हैं, यानी कि जाइलम का 70% पार्ट ऐसा है जो डेड सेल्स का बना हुआ है और 25% पार्ट ऐसा है जो सिर्फ लिविंग सेल्स का बना हुआ है, वो भी लिविंग सेल्स कौन है, जाइलम पैरेन्काइमा।
इनके भी गाइस टैपरिंग एंड होते हैं, यानी कि पॉइंटेड किनारे होते हैं एंड थिक सेल वॉल होती है। दे आर मेनली सपोर्ट इन फंक्शन, जो इस फंक्शन में वाटर को ऊपर कंडक्शन करने में सपोर्ट और सेल्स को एक साथ बांधे रखने में भी मदद करते हैं। तो जाइलम के बारे में हमने पढ़ा, इसको वुड कहते हैं, ये वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू है क्योंकि वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। फोर टाइप्स की सेल्स होती हैं, ट्रैकियाड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। टैकियार्ड, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं, यानी इस टिश्यू का 75% पोर्शन डेड है, ओनली 25% पोर्शन कैसा होता है, लिविंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जाइलम के फंक्शंस की। जाइलम्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये रूट से मिनरल और सॉल्ट को और वाटर को, जो वाटर में ऑब्वियसली डिजॉल्व है, उनको डिफरेंट पार्ट्स, ऊपरी पार्ट्स तक पहुंचाने में मदद करता है। जिस तरीके से हम लोगों के घर पर नीचे से पानी को पहुंचाने के लिए पाइप लगा हुआ होता है, ठीक इसी तरीके से। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ जाइलम लाइक ट्रैकियार्ड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। याद रखें ये लिग्निफाइड दीवार है। लिग्निफाइड से किसे बोलते हैं, जिसमें जो लिग्निन जहाँ इकट्ठा है और डेड है। एंड सो दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट बॉडी। ये वाटर के कंडक्शन के साथ साथ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, जिससे प्लांट आपका जो है वो सीधा खड़ा रहे। लास्ट पॉइंट इसका, जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली द लिविंग टिश्यू ऑफ द जाइलम। ये जाइलम का एक लिविंग टिश्यू एरिया है, विच हेल्प इन अ लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, जो साइड से वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, एंड स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार हुआ है वो इसमें आके स्टोर हो जाता है। तो गाइज ये मैंने आपको कोशिश किया है कि जाइलम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और जिसको भी जो भी डाउट्स बना करें वो मेरे से कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर थी इनकी जाइलम्स के बारे में। ठीक, अब हम इसमें अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है फ्लोएम, जो लीफ में बने हुए फूड को डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व करके फिर लोअर पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करता है। तो इट इज कॉल्ड बास्ट, इसको हम बास्ट कहते हैं। बास्ट से मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है और थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो इसको बास्ट कहा जाता है। एंड इज आर लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, ये एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, कंपोज ऑफ फोर एलिमेंट्स, ये भी फोर एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे हमारा जाइलम था, टैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसमें शुरुआती तीन पार्ट्स जो मैंने बीच वाला अगर पैरेन्काइमा डाल दूँ तो लास्ट पहले दो और लास्ट का एक डेड है, यानी 75 डेड है और 25 कैसा हमारा लिविंग है। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में फोर एलिमेंट है, सीप्स ट्यूब, सीप्स ट्यूब, सीप्स माना छलनी के जैसा, इस तरीके से उसमें ऐसे करके दरार बन जाती हैं। कंपेनियन सेल्स जो इन सेल्स को पकड़ के रखती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सीप्स ट्यूब की, दे आर ट्यूबुलर सेल्स, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं विद एंड अपने किनारे पे वॉल परफोरेटेड बाय नंबरस पोर्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं, विच आर कॉल्ड सीप्स प्लेट्स, उन सुराखों को हम सीप्स प्लेट्स कहते हैं। द सीप्स ट्यूब्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट दे हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें इसके साइटोप्लाज्म में एक थिन लेयर होती है। तो द सीप्स ट्यूब्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है और ये किसकी बनी हुई होती है, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म की। इनका काम क्या है कि ऊपर से आने वाले फूड को उसके एरिया के हिसाब से छान के वहाँ स्टोर कराना। अगला है गाइस यहाँ पर हमारा कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल, दीज आर स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है और न्यूक्लियस स्पष्ट नजर आता है, यानी कि प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स है, विच आर मेनली कंसर्न विद स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। जबकि हमारे जो फ्लोएम फाइबर्स है, दीज आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड डैड, ये डैड है, ये कैसे हैं, डैड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है तो लिग्निन तो ऑब्वियसली होगा यहाँ पर, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, जो टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहां पे जस्ट जाइलम का अपोजिट है, यहां 75% सेल्स कैसी है, लिविंग, कौन कौन सी, सीप्स प्लेट्स या सीप सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और 25% डेड है, जो कौन है, फ्लोएम फाइबर्स।
फ्लेम का गाइस फंक्शन क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू द स्टोरेज ऑर्गन। फ्लोएम जो होती है लीफ से जो भी फूड बना है उसे उसके स्टोरेज ऑर्गन तक ले जाने में मदद करेगा, एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, या उस जगह पर स्टोरेज करेगा जहां पर ग्रो हो रही है, जहां पर ग्रोइंग हो रही है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के फ्लोएम फाइबर आर सोर्स ऑफ कॉमर्शियल फाइबर। कॉमर्शियल फाइबर जैसे जूट और हेम्प, जैसे जूट है तो जूट का आपने बोरा देखा होगा, ठीक है, उनके फुट पैड बनकर आते हैं और उनकी चटाई बनकर आती है, ऐसी हेम्प होता है, हेम्प की भी चटाई बनती है। तो जो फ्लोएम होता है हमारा, फ्लोएम का इस्तेमाल हम कॉमर्शियली भी करते हैं, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम हुआ हमारा जो दो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया था? क्योंकि ये फोर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए हमने इनको परमानेंट टिश्यू और वो भी कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। सारी सेल्स मिलकर एक ही काम को करने में मदद करते हैं। जाइलम का काम वाटर को नीचे रूट से ऊपर तक ले जाना है, फ्लोएम का काम ऊपर बने हुए फूड को नीचे लेकर आना होता है।